प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दूसरे दिन शनिवार सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। उन्होंने सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच हाथी पर बैठकर जंगल सफारी की। इसके बाद जीप से नेशनल पार्क का भ्रमण भी किया। इस दौरान उनके साथ पार्क डायरेक्टर सोनाली घोष और सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर भी मौजूद थे। मोदी ने जंगल सफारी के दौरान जानवरों की तस्वीरें खींची। उन्होंने हाथी को गन्ना भी खिलाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी ने इनकी तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, यह एक ऐसी जगह है जहां की हर यात्रा आत्मा को तृप्त कर देती है। यह आपको असम के दिल से गहराई से जोड़ता है। इस नेशनल पार्क में सबको आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन दौरे पर है। वे शुक्रवार की शाम असम के तेजपुर पहुंचे थे। रात में काजीरंगा नेशनल पार्क के गेस्ट हाउस में ही रुके थे। आपको बता दें कि काजीरंगा को 1964 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। इस साल काजीरंगा इस उपलब्धि की गोल्डन जुबली मना रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1925 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह नेशनल पार्क 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 1000 से ज्यादा गैंडे और हाथी रहते हैं। इसके अलावा कई बंगाल टाइगर्स भी यहाँ रहते हैं। साल 2006 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया था। यह पार्क केवल नवंबर से अप्रैल तक ही टूरिस्ट के लिए खुलता है। मई से अक्टूबर तक बंद कर दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें असम में विकास की गति और भी तेज होगी। बता दें कि जोराहाट के कार्यक्रम में स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेलवे तथा आवासीय क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास की पहल के तहत परियोजनाओं की नींव रखी। इन परियोजनाओं में शिवसागर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा गुवाहाटी में हिमाटो लिम्फ्रॉड क्रेन शामिल है। उन्होंने दिग्बोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी की क्षमता विस्तार परियोजनाओं की भी नींव रखी। पीएम मोदी ने तिनसुकिया में एक नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के 718 किलोमीटर लंबी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया। बता दें कि जोरहाट के कार्यक्रम में स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेलवे तथा आवासीय क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास की पहल के तहत परियोजनाओं की नींव रखी। मैं आपका सर झुका करके नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि 200 स्थान पर लाखों लोग बैठे हुए हैं जो वीडियो के माध्यम से इस विकास उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कैसे गोलाघाट के लोगों ने हजारों दीप जलाए। असम के लोगों का ये स्नेह, ये अपनापन मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। मैं असम के सभी लोगों को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम
हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलो और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। साथ ही बर्ड वॉचर्स के लिए भी काजीरंगा किसी स्वर्ग की तरह है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान यहां के राइनो वो भी संकट में पड़ गए थे। 2013 में एक ही वर्ष में यहां 27 राइनोज का शिकार हुआ था, लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या जीरो हो गई है। 2024 काजीरंगा नेशनल पार्क का गोल्डन जुबली वर्ष भी है। मैं असम के लोगों को इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है।